सुप्रीम कोर्ट ने महिला आरक्षण कानून को लेकर एक बेहद अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को महिला आरक्षण कानून तत्काल लागू करने का आदेश देना मुश्किल है। बता दें कि कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की मांग की थी। जया ठाकुर ने अपनी याचिका में महिला आरक्षण कानून से उस हिस्से को भी हटाने की मांग की थी जिसमें इसे जनगणना के बाद लागू करने की बात कही गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए जनगणना की जरूरत होती है, महिला आरक्षण कानून में इसकी क्या जरूरत है। वहीं जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसबीएन भट्टी ने कहा कि इस पर जनगणना के अलावा भी कई काम हैं। सबसे पहले लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की जाएंगी। बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भेजने से भी इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का फैसला बहुत अच्छा कदम है। अब इस मामले पर दूसरी याचिकाओं के साथ 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।